नमस्कार। तो आइए देखते हैं, जब कस्टमर के यहाँ आप टैंकर लेकर जाते हैं तो क्या क्या करना होता है। सिक्योरिटी के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले 3-point कॉन्टैक्ट बनाकर उतरकर चालान जमा करें। सिक्योरिटी को अपने वाहन की जांच करने दें और इसके बाद अपने वाहन को कंपनी द्वारा दी गई स्पीड लिमिट के अनुसार अंदर ले जाएं। गाड़ी को टैंक के पास ले जाएं और सुरक्षित तरीके से खड़ा करने के बाद फिर से सावधानी से उतरकर व्हील चोक और सेफ्टी कोन को वाहन के आगे पीछे लगाएं। याद रखें, इस दौरान को ड्राइवर का सहयोग जरूरी है। सभी पीपीई जैसे कि हेलमेट, वाइजर, गॉगल्स, ईयरप्लग्स तथा ग्लव्स पहनकर तैयार रहे। इसके बाद सबसे पहले टैंकर आईडी को अपनी कंपनी के मोबाइल फोन के जरिए एंटर करें। अब कस्टमर की टंकी के सभी वॉल्व्स को चेक करें, कहीं पर भी कुछ समस्या दिखे, जैसे कि कोई वॉल्व लीक कर रहा हो अथवा इलेक्ट्रिकल पैनल टूटा हुआ हो इत्यादि। अगर ऐसा कुछ दिखे तो मोबाइल पर आइस ऑन चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। सब कुछ ठीक लगने पर अपनी गाड़ी का वॉल बॉक्स खोले और होस बॉक्स से होस पाइप को निकाले। इन सभी कार्यों में को ड्राइवर का सहयोग आवश्यक है। इसके बाद कस्टमर के टैंक और अपने टैंक के प्रेशर की जांच करें। याद रहे, कस्टमर के टैंक का प्रेशर अपने टैंक के प्रेशर से कम 2 kg कम हो। इसके बाद अपने टैंक का डम्मी फ्लेंज निकाले और अपने होस पाइप को जोड़े। याद रहे, सभी बोल्ट्स को कसना जरूरी है। इस दौरान सही तरह के स्पैनर इस्तेमाल करें
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ड्राइवर आपसी तालमेल से होस पाइप को सही ढंग से टाइट कर रहे हैं। होस पाइप को कनेक्ट करने के पश्चात इलेक्ट्रिकल पैनल का दरवाजा खोले, सबसे पहले जांच ले कि डू नॉट टैम्पर का स्टिकर टूटा हुआ तो नहीं है। इसके बाद केबल बॉक्स को खोलकर उसके अंदर से केबल को बहुत ही सावधानी से बाहर निकाले। याद रहे, केबल को जमीन पर घसीटते हुए न ले जाए और सबसे पहले अर्थिंग का कनेक्शन लगाएं। साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि कस्टमर के प्लग सॉकेट पर सील लगा हुआ है या नहीं। अगर आपको सील टूटा हुआ मिले तो तुरंत कस्टमर को सूचित करें। यह ध्यान दें कि जब आप केबल को गाड़ी के केबल बॉक्स से निकालकर ले जा रहे हो तो केबल वेंट लाइंस के नीचे न आए। इसके बाद ELCB का फंक्शनल टेस्ट करना न भूलें। यह काम आपको सॉकेट के अंदर प्लग को लगाने से पहले करना है। अगर ELCB फंक्शनल टेस्ट के दौरान ELCB फंक्शनल टेस्ट फेल हो जाए, यानी ELCB ट्रिप न करे तो आगे न बढ़े, और अगर वह सक्सेसफुल यानी सही ढंग से काम करता है तभी आप आगे की कार्यवाही करें। इसके बाद यह सुनिश्चित करें सॉकेट का ब्रेकर ऑफ हो, यानी यह बटन जीरो के पास होना चाहिए। अगर ब्रेकर एक या ऑन पोजीशन में है तो आगे न बढ़े। जांच पूरी होने के बाद सब कुछ ठीक होने पर गाड़ी के प्लग को सॉकेट में सही ढंग से लगाएं। और प्लग टॉप में उपस्थित कैप को दाहिने घुमा के सॉकेट में लॉक करें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साइड में खड़े होकर सॉकेट ब्रेकर स्विच ऑन करें। हरी बत्तियों को कंट्रोल पैनल में देखें, जैसे RYB एंटी कैविटेशन ट्रिप ऑन, MCB ट्रिप ऑन, VOLR ट्रिप ऑन। लाल बत्ती दिखने पर कस्टमर और प्रैक्सायर को सूचित करें। डिकांटेशन के समय क्रायोजेनिक ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। पंप कूल करने के लिए टैंक के बॉटम वॉल्व और रीसर्कुलेशन वॉल्व खोल दें। पंप ठंडा होते समय टैंकर प्रेशर गेज पे ध्यान रखें और तापमान -120 डिग्री सेल्सियस होने तक पंप को ठंडा करते रहें। यदि टंकी का प्रेशर 2.7 केजी से ज्यादा हो तो वेंट वॉल्व खोल के अतिरिक्त प्रेशर बाहर छोड़ दें। पंप डिलीवरी वॉल्व को थोड़ा सा खोले, होस ब्लीड वॉल्व को खोले और होस को पर्च करें। स्टोरेज टंकी के टॉप फिल वॉल्व खोले। होस ब्लीड वॉल्व को बंद करें। पैनल पर स्टार्ट बटन दबाकर पंप चालू करें। पंप चालू होने पर लाइन का प्रेशर बढ़ जाएगा और इसको प्रेशर गेज से देखते रहें। अगर बटन दबाने पर भी पंप स्टार्ट न हो तो कस्टमर और प्रैक्सायर को बताएं। ड्राइवर का कंट्रोल पैनल खोलना या कंट्रोल पैनल के कनेक्शन, सॉकेट कनेक्शन, प्लग कनेक्शन चेक करना मना है। जब तक एक इलेक्ट्रीशियन इस समस्या का हल करके
पंप चालू करने की अनुमति न दे तब तक ड्राइवर पंप स्टार्ट न करे। पंप शुरू करने से पहले दोबारा कस्टमर को जरूर बताएं। कस्टमर के इलेक्ट्रिशियन को टैंकर पैनल पर काम करने की अनुमति न दे। धीरे धीरे पूरी तरह से पंप डिलीवरी वॉल्व खोले, उसके साथ साथ रीसर्कुलेशन वॉल्व बंद करें। टैंकर पर 2.5 से 2.7 केजी दबाव बनाने के लिए पीबीयू कॉइल इनलेट और आउटलेट वॉल्व का उपयोग कर टंकी के प्रेशर को पूरा बनाए रखें। स्टोरेज टैंक के बॉटम वॉल्व को खोल दें। अब स्टोरेज टंकी के टॉप वॉल्व और बॉटम फिल वॉल्व का उपयोग करके स्टोरेज टंकी में स्थित दबाव बनाए रखें। अगर प्रेशर कम हो तो बॉटम वॉल्व ज्यादा खोलें और पंप वॉल्व को कम या बंद कर दें, ताकि नियमित आधार पर दबाव बना रहे। अगर प्रेशर ज्यादा हो तो टॉप वॉल्व ज्यादा खोलें और बॉटम वॉल्व को कम या बंद कर दें, ताकि सही प्रेशर बना रहे। अगर इसके बावजूद टैंक का प्रेशर बढ़ता नजर आए तो वेंट वॉल्व खोलकर प्रेशर निकाल दें। प्रेशर को गेज के लाल निशान पर पहुंचने न दें। अगर इमरजेंसी हो तो पैनल पर लगे पुश बटन को दबाकर पंप बंद कर दें। स्टोरेज टैंक के लेवल पर और टैंक प्रेशर पर नजर बनाए रखें। स्टोरेज टंकी का लेवल 75% पहुंचने पर टंकी के ओवरफ्लो वॉल्व खोल दें। जब फुल हो जाए या गैस ओवरफ्लो वॉल्व से आ रहा हो तो पैनल पर लगे स्टॉप बटन दबाकर पंप बंद कर दें। टैंकर के बॉटम वॉल्व, पीबीयू कॉइल इनलेट और आउटलेट वॉल्वों को बंद करें। जब तक बचा हुआ गैस या लिक्विड स्टोरेज टैंक में न चला जाए तब तक इंतजार करें। स्टोरेज टैंक के टॉप फिलिंग, बॉटम फिलिंग और ओवरफ्लो वॉल्वों को बंद करें। दोनों तरफ से होस ब्लीड वॉल्व को खोलकर प्रेशर निकाल दें। होस पर जमे आइस के हटने के बाद होस को खोल दें। पंप डिलीवरी वॉल्व बंद करें। तब तक होस को वापस बॉक्स में न रखें जब तक कि होस पूरी तरह से खाली न हो जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साइड में खड़े होकर स्विच ऑफ करें। प्लग के कैप को बाएं घुमाकर अनलॉक करें। प्लग को मजबूती से पकड़कर सॉकेट से धीरे धीरे निकालें। क्रोकोडाइल प्लग को निकाल लें। केबल को सही तरीके से रोल करके बॉक्स में रखिए। स्टोरेज टैंक और टैंकर के फ्लेंज में डम्बी लगाएं। सभी वॉल्व्स की जांच कर लें और वॉल्व बॉक्स को बंद कर दें। डिकांटेशन प्रोसीजर के सभी नियमों को सही तरह से पालन करके सुरक्षा अपनाएं। धन्यवाद।